बिहार में एनडीए की सरकार के दोनों सहयोगी यानी बीजेपी व जेडीयू कई बड़े मुद्दों पर आए दिनों आपस में टकराते रहते हैं और हाल ही में समान नागरिक संहिता के बीजेपी के स्टैंड का जेडीयू ने विरोध किया है। ये मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब दोनों दल नागरिक संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आपस में टकरा गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ये कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल खत्म होने के बाद सीएए लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद से बिहार में बीजेपी कोटे के मंत्री प्रमोद कुमार ने सीएए बिहार में लागू करने की बात कही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में इसे लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में गुरुवार को सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सीएए हर हाल में लागू किया जाएगा। शाह ने आगे यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि सीएए सबों पर लागू नहीं होगा, ये केंद्र सरकार के एजेंडे में है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण की लहर कम होते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान के बाद से बिहार में राजनीति बिल्कुल गर्मा सी गई है। बिहार बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार का यह कहना है कि सीएए देश हित से जुड़ा मुद्दा है, बीजेपी का यह उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मंत्री प्रमोद कुमार ने यह भी कहा है कि अमित शाह ने कह दिया तो इसे देश में लागू होना ही चाहिए, इसे बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर अमित शाह के बयान के बाद उसे नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री के समर्थन के बाद से जेडीयू ने विरोधी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में सीएए लागू किए जाने के कोई प्रश्न ही नहीं है, ये जेडीयू के एजेंडे में बिल्कुल शामिल नहीं है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।